लेकर कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। राहत की बात यह है कि अब लगातार पॉजिटिविटी रेट कम होता चला जा रहा है। 22 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट यहां 24.29% था, यह घटते घटते आज 25 अप्रैल को 23.01% हो गया। एक और राहत की बात है कि अब जहां संक्रमित होने वाले भाई और बहनों की संख्या लगभग स्थिर है, 13,000 के आसपास बनी हुई है, वहीं स्वस्थ होकर घर जाने वाले भाई और बहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 19 अप्रैल को ये संख्या 6,836 थी, 25 अप्रैल को बढ़ के 11,324 हो गई। लगातार स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है, रिकवरी रेट हमारा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अभी लंबी लड़ाई बाकी है। और याद रखिए, ये जो रिकवरी रेट बढ़ी और पॉजिटिविटी रेट कम हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण है आपका सहयोग। कोरोना कर्फ्यू, कोरोना से लड़ाई घर के बाहर निकल के नहीं जीती जा सकती, कोरोना से लड़ाई हम घर पर रहकर ही जीत सकते हैं। हम घर पर रहे इसलिए संक्रमण की दर अब घटती ओर है। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह सहयोग लगातार आवश्यक है। धैर्य और संयम से हमको इस लड़ाई को लड़ते रहना है। मेरी प्रार्थना है कि हमारे गांव में, अगर किसी मोहल्ले में, कुछ घरों में संक्रमण है, तो एक माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना दीजिए। उस इलाके को अलग करके वहां रहने वाले भाई बहनों की आवश्यकता हम घरों में पूरी कर देंगे, लेकिन वो वहां से बाहर ना निकले, ताकि संक्रमण को फैलने से हम रोक सकें। अगर हमारे शहर में, किसी कॉलोनी में, किसी मोहल्ले में संक्रमित भाइयों और बहनों की संख्या ज्यादा है, तो वहां माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के, मतलब उतने इलाके को कंटेन करके हम संक्रमण को बाहर फैलने से रोक दें। यह सहयोग अत्यंत आवश्यक है, और इसलिए माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाने की नीति भी इस लड़ाई में हमने सम्मिलित की है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जब हमारा कोई परिजन संक्रमित होता है तो मन में तकलीफ और व्यथा होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि बड़ी संख्या में पॉजिटिव पेशेंट के साथ परिजन अस्पताल आते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इसके कारण एक और आप स्वयं संक्रमित हो जाते हैं, तो आप खुद का भी नुकसान करते हैं, पर आप संक्रमित हो गए तो फिर आपके परिजन की देखभाल कौन करेगा। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी का आना परिजन के साथ आवश्यक है तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आए, ज्यादा संख्या में लोग बिल्कुल ना आए, और अस्पताल में तो संक्रमित को भर्ती करवाने के बाद वार्ड में कतई ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं। आप अगर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के वार्ड में अंदर जाएंगे तो आप स्वयं संक्रमित हो जाएंगे, इससे संकट और बढ़ेगा और गहराएगा। इस समय हमको संक्रमण बढ़ाने में योगदान नहीं करना, संक्रमण रोकने में योगदान करना है। हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं व्यवस्थाएं बनाने का। कई बार जब बड़ी संख्या में संक्रमित भाई बहन आते हैं तो व्यवस्थाएं छोटी पड़ने लगती है, तकलीफें स्वाभाविक है, मेरा मन भी बहुत व्यथित होता है, लेकिन इसके बावजूद हम पूरी ताकत से व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार बनी रहे, बढ़ती रहे, इसका हर संभव प्रयास जारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। अब तो वायुसेना के विमानों से खाली टैंकरों को गंतव्य तक भेजा जा रहा है, जामनगर हो या दूसरे स्थान हो, ताकि वहां पहुंच जाए जल्दी, समय बचे, और वहां से भर के फिर बाय रोड आ जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के हर संभव प्रयास जारी है। ऑक्सीजन रेल से भी आए,
इसकी व्यवस्था भी हमने की है। हम कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसके बाद भी अगर असुविधा होती है तो मैं क्षमा चाहता हूं, कोई कसर व्यवस्था बनाने में नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। एक तरफ जहां हम सब मिलकर महामारी से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन कठिनाइयों वाले समय में आपका जहान भी चलता रहे, इसकी कोशिशें भी हम लगातार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 3 महीने का राशन निःशुल्क देने का फैसला किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने भी 2 महीने का राशन मई और जून का निःशुल्क देने का फैसला किया है। निःशुल्क राशन के साथ साथ हमारे जो स्ट्रीट वेंडर है, चाहे वो शहरी हो, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, छोटा मोटा कारोबार करने वाले, या ग्रामीण क्षेत्र के हो, उनके खाते में भी 1,000 रुपया डालने का हमने फैसला किया है। जल्दी ही किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की निधि की 1 किस्त भी डाली जाएगी। जनता को राहत देने के हर संभव उपाय हम लगातार करते रहेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, इस लड़ाई में अगर हमारे सेनापति कोई हैं, तो वो सेनापति है डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी नर्स बहनें, हमारे वार्ड बॉय, ये अपनी जान हथेली पे रख के, अपनी जान जोखिम में डाल के ये इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इनका सम्मान कीजिए, इनका मनोबल बढ़ाइए, इनकी हिम्मत बढ़ाइए, इनका हौसला बढ़ाइए, ताकि दुगने उत्साह से ये आपकी सेवा में लगे, संक्रमितों को स्वस्थ कर सकें। इनके साथ अशोभनीय व्यवहार कतई नहीं होना चाहिए। आइए मेरे बहनों और भाइयों, मिलके हम इस लड़ाई को लड़ें। मेरा विश्वास है कि जो रणनीति हमने बनाई है, उस पर अगर हम ठीक ढंग से चलते रहे, तो निश्चित तौर पर कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।